नमस्कार दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्धचालक लेजर, बी एक्सेस मेजर लेजर, सी डाई लेजर, डी गैस लेजर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इज अर्धचालक लेजर। सेकंड क्वेश्चन, एक स्वच्छ तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ए ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, बी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, सी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, डी ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। राइट आंसर इज बी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी बल का, डी समय का। टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं, डी दबाव के अनुसार घटिया बढ़ जाता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर इज कम हो जाता है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ए उबलता हुआ पानी, बी गर्म पानी, सी भाप, डी पिघलती हुई प्लावे पर। राइट आंसर इज सी भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से ध्वनि को वेग सर्वाधिक किस में होता है? ए जल, बी वायु, सी इस्पात, डी लकड़ी। राइट आंसर इज सी इस्पात। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए जल सरलता से मिल जाता है, बी सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है, डी जल को गर्म करना आसान है। राइट आंसर इज इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है। रडार का आविष्कार किसने किया था? ए एंड्रू जैक सिनेमा, बी एंगस कोडाक, सी विलियम्स रामसे, डी रॉबर्ट वर्सन वॉट। राइट आंसर इज रॉबर्ट वर्सन वॉट। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए सोनार, बी रडार, सी लेजर, डी मेजर। राइट आंसर इज सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? ए दृश्य प्रकाश के रूप में, बी अवरक्त किरणों के रूप में, सी पराबैंगनी किरणों के रूप में, डी प्रतिदीप्त प्रकाश के रूप में। राइट आंसर इज ए दृश्य प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, भी उनकी टांगे कमजोर होती ही और भूमि पर पक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, सी वे रोशनी की क्रोन उत्पन्न करते हैं, डी वे पराशर व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर इज डी वे पराशर व ध्वनि तरंगे। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया हो सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा।